बोला जाए उसे ध्यान से सुनिए और जो ना बोला जाए उसे और ध्यान से सुनिए। नमस्कार, मैं हूँ विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। या ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला, 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए, उसमें यूनिकॉर्न की संख्या में आज हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। धीरे धीरे ठंड कम हो रही है और तापमान बढ़ने लगा है। इस बढ़ते तापमान के बीच पिछले कुछ दिनों से संसद का तापमान भी काफ़ी हाई है। राहुल गांधी ने मंगलवार को अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया और आज राज्यसभा में एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कीचड़ कमल पर शायरी, सेक्युलरिज्म की परिभाषा, नेहरू गांधी परिवार पर सरनेम वाला वार, तो नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों पर पलटवार किया। हालांकि विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अडानी मुद्दे पर आज भी एक शब्द नहीं कहा। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने विपक्ष को लेकर क्या क्या कहा। कांग्रेस पर मोदी का तंज क्या है ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है। इतने विधानसभा लोकसभा चुनाव हो गए, कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, खारिज कर रहा है। 60 साल में एक परिवार ने केवल गड्ढे किए हैं, डेवलपमेंट की बजाय गड्ढे किए हैं और उन गड्ढों को वो भर रहे हैं। ये काम कांग्रेस परिवार को लेकर उन्होंने कहा है। कांग्रेस ने देश के 6 दशक बर्बाद कर दिए। उनका जो गड्ढे किए हैं उससे 6 दशक, 60 साल जो है देश के बर्बाद हो गए हैं। कांग्रेस अपनी साजिशों से अब भी बाज नहीं आ रही है, ताकि देश आगे बढ़ सके उन साजिशों से वो बाज नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था अपने अभिभाषण के, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बहस की थी, अपना जवाब दिया था। 600 योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू के नाम पर है। प्रधानमंत्री जब नेहरू परिवार की बात कर रहे थे, गांधी परिवार की यानी कांग्रेस परिवार की बात कर रहे थे, तो उनका 600 योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू के नाम पर हैं। और उन्होंने कहा कि यदि इतना ही सब कुछ महान है तो उन्हें नेहरू सरनेम लगाने से क्या दिक्कत है। ये भी एक बड़ा सवाल उन्होंने किया कि यदि नेहरू इतना आपको लगता है कि महान है तो उनका नाम सरनेम में लगाइए। इंदिरा गांधी ने 50 बार सरकारों को गिराया, ये था आर्टिकल 356 और डेमोक्रेटिक सिस्टम को लेकर बात कर रहे थे प्रधानमंत्री। गौतम अडानी, ये नाम अभी संसद से सड़क तक हर जगह गर्मा गर्म बहस का मुद्दा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में सवाल उठा रहे हैं कि 2014 में जो व्यक्ति अरबपतियों की सूची में 609वें नंबर पर था, 609 पर, आज वो नंबर 2 पर कैसे पहुंच गया। लेकिन अरबपतियों की लिस्ट, गौतम अडानी अकेले ऐसे उद्योगपति नहीं है जिन्होंने बिलीनियर्स की लिस्ट में लंबी छलांग लगाई। इस लिस्ट में और भी नाम है जिन्होंने, खासतौर से हिंदुस्तान में, जिन्होंने यूपीए के शासन में लंबी छलांग लगाई। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं क्या बिजनेस है, पॉलिटिकल बिजनेस क्या है। देश का सबसे बड़े नामों में से एक बिलीनियर्स की लिस्ट में है मुकेश अंबानी, जो 2006 में 56वीं रैंक पर थे और 2008 में, यानी सिर्फ 2 साल में, वो 5वें स्थान पर पहुंच गए, 56वीं रैंक से 5वीं रैंक पर। अनिल अंबानी, जो मुकेश अंबानी के भाई हैं, वो भी 2006 में 104वें स्थान पर थे, रैंक पर थे, और वो 2008 में 6 नंबर पर पहुंच गए। उनकी रैंक जो है 6 नंबर पर पहुंच गई अंबानी से। गौतम अडानी, अब गौतम अडानी का जिक्र भी कर लेते हैं। 2014 में वो 609 नंबर पर थे, 2022 में वो नंबर 2 पर पहुंच गए। हालांकि पिछले 1 साल से वो नंबर 10 में भी नहीं आ पाए थे। हाल के दौर में एक शब्द अक्सर चर्चा में आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड। इसे भारत में इसलिए लाया गया था ताकि सियासी चंदे में काले धन के लेन देन का खात्मा करके राजनीतिक दलों को रकम जुटाने की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। लेकिन हुआ क्या, सत्ता के हाथ की कठपुतली बनता जा रहा है ये इलेक्टोरल बॉन्ड। तभी तो जो सत्ता में होता है उसे जमकर कॉरपोरेट फंडिंग मिलती है। एक बार आंकड़े देख लें, हाथ कंगन को आरसी क्या। पॉलिटिक्स में कॉरपोरेट डोनेशन, एक डोनेशन तो जो आ रहा है वो है ही, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड जब शुरू हुए तो राजनीतिक चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को सबसे बड़ा जरिया माना जा रहा है
यदि उसके आंकड़े देखेंगे कि किस तरह से हो रहा है, इसके जरिए पिछले 5 साल में 9,208 करोड़ का चुनावी चंदा आया, यानी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 9,208 करोड़ रुपए मिले हैं। अब इसको देखेंगे कि कैसा कनेक्शन है इसका, इलेक्टोरल बॉन्ड में से अधिक बीजेपी को मिले हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, तो जहां सरकारें होती हैं, इसको राज्य सरकारों के हिसाब से भी देखेंगे, तो जहां जिसकी सरकार है उसको इलेक्टोरल बॉन्ड में उतना पैसा मिला है। इसमें सबसे ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का फिगर है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, जिसे 964 करोड़ रुपए चुनावी चंदा मिला। उसकी कुछ राज्यों में सरकार है, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके पास 964 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा मिला। भारतीय जनता पार्टी को करीब 5000 करोड़ मिला है 9000 करोड़ में से, ये इलेक्टोरल बॉन्ड में। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही है, जिसको 964 करोड़ का चंदा मिला। तृणमूल कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल में है सरकार में, 767 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा मिला। अब आप इसे समझ लीजिए, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को 964 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल में सरकार में रहने वाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ का चुनावी बॉन्ड मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल हमेशा से उठते रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इस बात का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है कि प्रत्येक बॉन्ड को किसने खरीदा और उसे किसने दान दिया गया। तभी तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग और RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी इसको लेकर चिंतित दिखाई देते। आपको बताते हैं इनका इस पर क्या कहना है। तीन प्रमुख जो संस्थाएं हमारी, वो क्या कहती हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर उठते हुए सवालों को लेकर। तीनों बड़ी संस्थाओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत बताया है, ये बड़ा तर्क है जिसकी चर्चा हो रही है, जिसके लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके जरिए काले धन को कानूनी किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट की आशंका है। चुनाव आयोग की बात करें, चुनाव आयोग का इलेक्शंस और पॉलिटिकल पार्टी से सीधा संबंध है। उन्होंने कहा इससे विदेशी चंदा लेने वाला कानून भी बेकार हो जाएगा, कि जो फंड होता है इलेक्ट्रो। तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है, रिजर्व बैंक संस्था है, इलेक्टोरल बॉन्ड को मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा, ये तीनों बड़ी संस्थाओं का कहना है, यानी तीनों बड़ी संस्थाएं हमारी इसके पक्ष में नहीं है। चलिए, ये तो रही कॉरपोरेट फंडिंग की बात, अब बात करते हैं कॉरपोरेट के राजनीति में सीधे सीधे दखल की। तो भारतीय संसद के इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया है जब राजनीतिक दलों ने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को ऊपरी सदन यानी अपर हाउस में भेजा। कुछ नाम आपको बता देते हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति के दिग्गज रहे हैं, इंडस्ट्री में रहे हैं, इनका नाम सब लोग जानते हैं। विजय माल्या 3 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एविएशन में रहे, वाइन में रहे, बियर में रहे। बजाज ग्रुप के एक बड़ा नाम है राहुल बजाज, जो लंबे समय तक कांग्रेस के टिकट पर सांसद रहे हैं, राज्यसभा में लगातार वो बने रहे हैं बजाज ग्रुप को। एक और बड़ा नाम अनिल अंबानी, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद रहे हैं, जो अंबानी ग्रुप को देखते हैं। नवीन जिंदल साहब भी कांग्रेस के सांसद रहे हैं, जिंदल स्टील समूह के मालिक हैं, जो एक बड़ा नाम है नवीन जिंदल का, वीडियोकॉन के मालिक। राजकुमार धूत शिवसेना से 3 बार सांसद रहे हैं, वो भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट माने जाते हैं राजकुमार धूत साहब। प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होने से पहले ही आज विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया, विपक्षी नेता लगातार नारेबाजी कर रहे थे। इस पर प्रधानमंत्री ने शायराना अंदाज में विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। क्या क्या कहा प्रधानमंत्री ने, एक बार सुन लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। अच्छाई है जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6-6 दशक बर्बाद कर दिए थे। उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। आज स्टार्टअप की दुनिया जो मूलतः साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, उसमें यूनिकॉर्न की संख्या में आज हम दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंच गए हैं। आदरणीय सभापति जी, आज ये देश गर्व करेगा कि सर्वाधिक पेटेंट
इनोवेशन और दुनिया के बाजार में टिकता है पेटेंट, ये सबसे अधिक पेटेंट रजिस्टर करने में आज मेरे देश के नौजवान आगे आ रहे हैं। विपक्ष हमेशा से मोदी सरकार पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाता है। याद कीजिए, यूपीए शासन के दौरान कांग्रेस पर भी यही आरोप लगते रहे और केजरीवाल दोनों ही पार्टियों पर यही लेबल चस्पा करते रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजनीति और व्यापार एक दूसरे के जोड़ीदार हैं? क्या सिस्टम को बर्बाद कर रहा है क्रोनी कैपिटलिज्म, और क्या इलेक्टोरल बॉन्ड डालता है राजनीति पर असर? इन सब सवालों पर, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्वनी शाही साहब, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे साहब और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रावत साहब, सबसे पहले आपको तकलीफ देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वही इन दोनों के बीच का एक वो है जो बैलेंस कर सकता है। आप देख रहे हैं कि लगातार पॉलिटिक्स में पैसे का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग का हमने वो भी देखा जिसमें कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड ठीक नहीं है। आप कैसे देखते हैं ये बिजनेस और पॉलिटिक्स का रिलेशनशिप? क्या ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है या मददगार? रावत साहब को हमारी आवाज मिल रही है? रावत साहब शायद अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आनंद दुबे साहब, आपसे समझना चाहता हूँ, शिवसेना जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके भी बड़े रिश्ते रहे हैं उद्योगपतियों से। महाराष्ट्र तो वैसे भी उद्योगपतियों का राज्य रहा है। आप कैसे देखते हैं, बिना इंडस्ट्रीज के काम चलेगा नहीं? विजय जी नमस्कार। देखिए, हर दशक में चंदा और नेता जी, इनका रिलेशन हमेशा से रहा है। राजनीतिक पार्टियों का रिलेशन हमेशा से रहा है जी। पहले लोग छोटा चंदा देते थे, छोटे लाभ लेते थे जी। अब लोग बड़ा चंदा देते हैं, बड़ा लाभ देते हैं। ये प्रचलन आया कब, ये जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है जी। 2012 से हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में यह प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ी कि राजनेता व्यापारियों के विमानों में घूमने लगे, राजनेता उनके पैसे से अपना प्रचार करने लगे, अपना झंडा बैनर छपवाने लगे। तो जब बड़े स्केल पर आप उनकी मदद लेने लगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आप कभी सत्ता में आएंगे तो उन्हें लाभार्थी भी आप बनाएंगे, नहीं तो यह आपका संबंध ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये आज शुरू हुआ है, ये बहुत सालों से था, लेकिन छोटे चंदे होते थे, छोटा लाभ होता था। आप अपने लेवल पे कैश में मदद करते थे और नेता कभी आपको चिट्ठी दे देता था। लेकिन जब आप बॉन्ड के रूप में इसे लाए और वाइट में देने लगे, आपने बड़े बड़े चेक साइन करने लगे, आपने 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए की मदद की किसी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को, तो जब वो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है तब वो आपको मदद करके आपका एहसान चुकाती है। लेकिन आनंद जी, ये बात ठीक नहीं है क्या कि केवल ट्रांसपेरेंसी बदली है? इलेक्टोरल बॉन्ड से एक ट्रांसपेरेंसी आ गई है कि भाई कोई इंडस्ट्री ग्रुप जो है आपको मदद कर रहा है, पहले भी पैसा तो मिल ही रहा था। नहीं, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है। आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी लगानी पड़ रही है, चुनाव आयोग उसको देख रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ये नाम नहीं बताती। आज भी 90% से ज्यादा चंदे का ब्यौरा देश की जनता के सामने नहीं रखा जाता, जिसमें इस समय सबसे आगे अगर मैं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी है। अभी आप ही बता रहे थे कि 9,000 करोड़ में अगर 5-6,000 करोड़ अकेले ही बीजेपी के पास जाता है, बाद में कांग्रेस के पास, बाद में टीएमसी के पास या फिर अन्य दलों के पास। रिश्ता बीजेपी से नहीं है ना, ये तो सरकार और उद्योगपतियों का रिश्ता लगता है मुझे, जो हिसाब दिख रहा है। जो सरकार में है वही प्रभु है उद्योगपतियों के लिए। साहब आप वह बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है, सरकार तो इस समय एनडीए की है, तो हम तो उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। जिस प्रकार से आज देश में विजय जी, जिस प्रकार आज अदानी जी हो, अंबानी जी हो और भी दो चार जन हो, वो जितना फले फूले हैं, चाहे बैंकों का उदारीकरण उनके ऊपर रहा हो, चाहे उनको जमीनें सस्ते दाम में मिली हो, चाहे उन्हें सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराने में तेजी दिखाई गई हो, ऐसा सभी के साथ क्यों नहीं होता? आप एक आंखों से सबको क्यों नहीं देखते? तब आप पर प्रश्न चिन्ह लगता है। देखिए, चंदा लेना देना है कोई बुराई नहीं। मैं समझता हूं कि अगर आप कमाते हैं, आपकी आय अच्छी है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को या किसी एनजीओ को चंदा दे सकते हैं, लेकिन प्रश्न चिन्ह तब उठता है जब आप अपने चंदे का दुरुपयोग करके आप 2-5 सालों में ही 600 के स्थान से दूसरे स्थान पर अगर कोई आ जाता है
तब वहां देश की जनता भी पूछने लगती है कि हमारे समाज में जो पानी पूरी की ठेली लगाता है वो क्यों नहीं वहां जा पा रहा है, हमारे यहाँ जो झुग्गियों में रहता है वो वहां क्यों नहीं जा पाता। बिल्कुल ठीक बात है आपकी जी। रावत साहब, यदि आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मैं आपसे जी आप ही से शुरू करना चाहते थे, क्योंकि आप इसके बीच में सूत्रधार हैं, चुनाव आयोग जो है हमारा सूत्रधार है। ये बिजनेसमैन और पॉलिटिकल लीडर्स का, यानी पॉलिटिकल पार्टीज का, लीडर्स की बात नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज का रिश्ता क्या कहलाता है सर? एक्चुअली अगर आप देखें मूल रूप में तो चुनाव के लिए पैसा बहुत जरूरी है जी, और पैसा डोनेट करने वाले लोग जो हैं वो बिजनेस इंडस्ट्री के ही मेजर रूप से होते हैं जी। तो पूरे विश्व की डेमोक्रेसीज में ये हो रहा है, बल्कि अब यहाँ तक सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं कि बिजनेसमैन को ये लगा कि हमारे चंदे का पूरा सही उपयोग नहीं हो रहा तो हम खुद ही क्यों ना बन जाएं जी। और एक बड़ी विकसित डेमोक्रेसी में उन्होंने राष्ट्रपति का पद तक प्राप्त कर लिया जी। तो ये चीजें स्वाभाविक हैं जी। हमें कोशिश ये करनी चाहिए अगर हमें डेमोक्रेसी को अच्छा बनाए रखना है कि उसमें धन बल का रोल जो है वो कम से कम हो जाए। जैसे अभी इंडिविजुअल कैंडिडेट की खर्चे की सीमा है, पार्टी के खर्चे की सीमा भी हम तय कर दें कि इससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते जी। इन चीजों से ही हो पाएगा। जहां तक इलेक्ट्रोल बॉन्ड का संबंध है उसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसा जमा करना होता है, तो इसलिए ये संभावना बहुत कम है कि ब्लैक मनी आ जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी, इसकी संभावना तो कम है जी। लेकिन चूंकि ओपेसिटी है, किसी को नहीं पता, और बैंक में रहने वाले लोगों की कितनी रिलायबिलिटी है कि वो उस इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे, कैसे रखेंगे, कैसे यूज़ वो सब चीज, कितनी स्क्रूटनी करेंगे, वो सब चीज इससे भी दिखती है कि लोन के बड़े बड़े फ्रॉड मिल जाते हैं, ये सब हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस ओपेसिटी की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशंस लगे हुए हैं उन्होंने 3 बैचेस में उनको कर दिया है। एक तो डायरेक्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, दूसरा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में पार्टीज को लाना, और तीसरा कर दिया है FCRA में जो अमेंडमेंट हुए हैं उसका, और इसमें सुनवाई अब अगले मार्च अप्रैल में होगी। लेकिन तीनों पे कोई काम नहीं हो रहा, और ये तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना जैसा काम है। सही, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत मुश्किल काम है, और इसमें जो करना है, जिस तरह से इससे डील करना है, वो रास्ता बहुत दुरूह है, और सारी संवैधानिक संस्थाओं को मिलजुल के इसको करना होगा ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रह सके। लेकिन सर अपने गले में कौन घंटी बांधता, आप भी, आप भले आदमी हैं इसलिए आप ये बात कर रहे हैं, दुरू कहाँ है, अपने गले में खुद ही घंटी बांध लूँ मैं कि रावत साहब कह रहे हैं तो मुझे पैसा नहीं मिलना चाहिए। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अपने गले में घंटी बांधने का काम सबसे ज्यादा मुश्किल है, कोई नहीं करना चाहता आज के युग में, और यही कारण है कि बिजनेसमैन जो है वो डोनेशन को गुप्त रखना चाहते हैं, और इसीलिए ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को लाना पड़ा जी। आपके पास आता हूँ, अश्वनी शाही साहब और डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्वनी जी, बात हुई कि भाई सबको पैसा मिल रहा है, लेकिन आजकल आपको सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो आप पर सबसे ज्यादा नजर है, 5,000 करोड़ रुपए 5 साल में आपको मिले, और ये योजना ही आप लेकर आए, तो मतलब सबसे बड़ा फायदा आपको हुआ। विजय जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में सबसे बड़ी पार्टी है, और इस समय तो हक बनता है आपको हुआ जी। नहीं नहीं, हक नहीं, उसका पूरा मैं बताना चाहूंगा जी। चंदे के कई रूप होते हैं और सबको मिलता है, यही चंदे का जो रूप, आप पीछे 2004 में चलिए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी जी। 2004 में जब उन्होंने अपनी आय घोषित की तो 153 करोड़ रुपए घोषित किया था जी। वो 153 करोड़ रुपए कम नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है उस समय अपनी आय कितनी घोषित की थी, 91 करोड़ रुपए जी। अंतर था क्योंकि पीछे से उनकी सरकार चली आ रही थी जी। तो जो व्यापारी हमको चंदा देते हैं, और अभी हमारे आनंद जी बैठे हुए हैं यहाँ 19-20 का इनका, जानते हैं, एक छोटी सी पार्टी है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नहीं है, 106 करोड़ रुपए का चंदा इनको आज इन्होंने घोषित किया है, बाकी जो नहीं घोषित है वो नहीं जानता हूँ मैं। इतनी छोटी सी सेना, तो जो नहीं घोषित किया वो तो किसी के बारे में भी नहीं जानते जी। जी ठीक है, तो मैं एक जैसा वो कह रहे थे मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब 106 करोड़ रुपए सिर्फ महाराष्ट्र से इनको आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आज 18 राज्यों में है, 11-12 राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री थे जी। तब, और सेंट्रल में हमारी सरकार है, तो जब निसंदेह जो है लोगों का झुकाव हमारे तरफ होना है, और आपकी तरफ मतलब सरकार की तरफ होना है, यही आप कह रहे हैं, सरकार की तरफ, सरकार मतलब, हाँ तो मतलब जब सरकार पैसा लेगी, पार्टी पैसा लेगी, तो फिर कुछ दान दक्षिणा के बाद आशीर्वाद तो देना होता है ना प्रभु।
सरकार नहीं, पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ प्रभु, कि जब दान दक्षिणा लेते हैं आप पंडित जी हैं, तो दान दक्षिणा लेने के बाद आशीर्वाद देते हैं ना जजमान को, बिना दक्षिणा के बाद, बिना जजमान के आशीर्वाद तो चलता नहीं। सिर्फ सिर्फ व्यापारी घराने नहीं देते हैं विजय जी चंदा, आपसे ज्यादा अनुभव किसको होगा। आप धीरे धीरे अगर इस तरीके से आप देखते होंगे, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा विधायक हैं, सबसे ज्यादा एमपी हैं, एक एक महीने की तनख्वाह वो पार्टी फंड में दान करते हैं। सर मैं तो केवल इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, जो 5,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में है, वो कोई एमएलए ने नहीं दिया, तनख्वाह से नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो आपके मित्र हैं, अब आपके मित्र हैं आपको दे रहे हैं, मुझे क्या आपत्ति है, लेकिन मैं तो बात इस नहीं तो ये तो चंदा आज देखिए, मैंने भाई व्यापारी घराने अगर वहाँ काम कर रहे हैं तो पहले देखिए आनंद जी की बात से मैं थोड़ा सा सहमत हूँ कि पहले जो है पहले से ये परिपाटी चली आ रही है, अभी भी चली आ रही है, लेकिन जिसको देने लेने की बात कर रहे हैं, अगर आप, मैं कह रहा हूं कि 10 बड़े काम उठाकर देख लीजिए और उसकी निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवा लीजिए, किसी का अगर कहीं भी कोई न्यायोचित काम ना हुआ हो, कहीं पर उल्लंघन किसी चीज का हुआ हो, तो ठीक है, ठीक कोई है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है जैसे अश्विनी जी कह रहे हैं, और इसलिए उनको बड़ा चंदा मिल रहा है। जब आप थे पार्टी, आपकी सरकार थी, तो आपको मिलता था, तो मक्खन मिश्री खाने में किसको परेशानी होती है सर, गले में आसानी से उतरता है। और अश्विनी जी को धन्यवाद, कम से कम उन्होंने ये तो बात रखी कि निष्पक्ष जांच करवा लीजिए, इसी की तो मांग लगातार विपक्ष जो है पिछले कई दिनों से कर रहा है जी। और प्रधानमंत्री जी निष्पक्ष जांच की तो बात छोड़िए जी, जिस पर इतनी बातें हो रही है उसका नाम लेने में भी दिक्कत। हमें तो ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है, इतना पुराना मित्र उनका, इतना साथ रहा, इतना उन्होंने चंदा दिया इनको, एक दूसरे के हवाई जहाजों पर दोनों घूमते रहे जी, और नाम तक नहीं ले रहे हैं जी, पानी पीना पड़ रहा है पर नाम नहीं लेते हैं प्रधानमंत्री जी। बड़ा दुखद लगता है, बुरा लगता है मुझे। लेकिन गौतम जी की बात सर, उनकी बात सुनिए, उनका दिल पर पूछिए कि उन्होंने आपकी कितनी मदद की है, राजीव गांधी की सरकार से लेकर आज तक राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहां उन्होंने प्रोजेक्ट लगा दिए, और आप बिल्कुल भी आशीर्वाद देने को तैयार नहीं है जजमान को। नहीं मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं, चूंकि बॉन्ड इलेक्ट्रल बॉन्ड से शुरू हुआ है इसलिए कहना जरूरी है जी। एक प्रश्न हम लोगों का था कि भाजपा को अडानी साहब ने, मित्र ने कितना पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से दिया जी, कम से कम इसका एक छोटा सा जवाब दे देती भाजपा पार्लियामेंट के पटल पर तो अच्छा रहा। एक छोटा सा जवाब दीजिए अजय जी, एक छोटा सा जवाब दीजिए। इसी से कनेक्शन सारा खुल के आ जाता जी, कि कितना पैसा अडानी ने इनको दिया और अब अडानी को इन्होंने क्या दिया 10 सेकंड जी। अजय जी बिल्कुल, आपका ये सीबीआई, आपका सवाल को मैं ज्यादा गंभीर मानता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ आपने भी किया ही होगा ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जजमान की दक्षिणा पर आशीर्वाद तो आपने भी दिया ही होगा ना, तभी आप अश्विनी जी को कह रहे हैं। ये फोटो मैं दिखा रहा हूँ, ये अंबानी का जहाज है और सोनिया गांधी जी सवार है उसमें, मैं जहाज, अजय भाई ने कहा तो मैं जहाज की जहाज दिखा रहा हूँ, बीच में नहीं बोलता, उसमें अडानी नहीं है, ठीक है, अडानी साथ होते तो अच्छा लगता, ठीक है, मोदी जी, अरे अंबानी साहब सोनिया जी के साथ है ना, अंबानी जी का जहाज है ना, ठीक है अश्विनी जी, मैं वो जरूर अंबानी पर भी जाँच हो जाए इसी साथ, ठीक है, ठीक है। रावत साहब एक बात समझना चाहता हूं मैं, कि जो बात चुनाव आयोग की है, बहुत सारी सिफारिशें होती है, मैं देख रहा हूं 2004 से लगातार खास तौर से इलेक्शन कमीशन ने बड़ा काम किया है इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया आज की तारीख में? नहीं बिल्कुल नहीं, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम बहुत ही निष्पक्ष चुनाव करने वाली संस्था है। आप इसको इस तरह से देखें कि पहले जो पॉलिटिकल सक्सेशन होता था वो या तो बड़े युद्ध से होता था, पानीपत की लड़ाई से कि कौन अब राज करेगा, या फिर बेटा बाप को मार के ताता जो तख्त लेता था, इसको रिप्लेस करने वाली संस्था है चुनाव, और चुनाव आयोग उसे निष्पक्ष कराने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें ऐसे में छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं जी, लेकिन जहां तक महत्वपूर्ण चीजों का सवाल है, इलेक्शन कमीशन ने जितने भी चुनाव सुधारों की तरफ कदम बढ़ाए हैं जी, लोगों के पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए, उन सब पर अमल हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है और वो चुनाव सुधार लागू भी हुए हैं। लेकिन सर ये छोटे 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 सुधार लागू हुए ना, आप तो आप ज्यादा बेहतर जानते हो सर, मैं क्या समझाऊं, मतलब आपको जिक्र करूं, जो बड़ी बड़ी बात थी वो सब आपने छोड़ दी और छोटी छोटी बातों पर, आपका मतलब चुनाव आयोग ने और उसको खुश कर दिया कि अच्छा ठीक है ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप लॉलीपॉप खाइए, इससे हो जाएगा काम, चलेगा।
नहीं देखिए, जो सबसे बड़ा टेस्ट है कि हमारे चुनाव निष्पक्ष और अच्छे हो रहे हैं, वो है चुनाव परिणामों की एक्सेप्टेबिलिटी। अभी आपने देखा होगा ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव के बाद कितना धमाका हुआ, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद 6 जनवरी को कैपिटल को स्टॉर्म कर लिया गया। अपने यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि 2014 में एक आउटफिट गया, दूसरा ब्लडलेस ट्रांसफर ऑफ पावर से आ गया पावर, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी जो है इलेक्शन कमीशन की बहुत ज्यादा। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि मनी एंड जो मसल पावर है वो बहुत बढ़ गया, इलेक्शन मसल पावर बिल्कुल खत्म हो गया है क्योंकि ईवीएम ने बिल्कुल खत्म कर दिया, लेकिन मनी पावर बढ़ता ही जा रहा है और उसका कारण यह है प्रॉस्पेरिटी बढ़ना, देश की प्रॉस्पेरिटी बढ़ना, उससे मनी का दुरुपयोग होता है क्योंकि कॉरपोरेट हर जगह अपना हाथ डालना चाहते हैं, अपने किसी तरह से अपने हित का संवर्धन करना चाहते हैं। और सर प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर बढ़ी, अभी तो 80 करोड़ लोगों को अनाज खिला रहे हैं हम 5 किलो, कौन सी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है देश में ओवरऑल? कुछ लोगों की, कुछ लोगों की। हाँ, बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए, उसमें यूनिकॉर्न की संख्या में आज हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। चर्चा कर रहे हैं उद्योगपतियों और राजनीति की, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अश्विनी साई साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, आनंद दुबे साहब हैं एंड डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे, वहाँ से बात करना शुरू करता हूँ क्योंकि रावत साहब को निकलना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा उन्हें वक्त दिया, उनकी व्यस्तता थी। आप बोलिए। अब मुझे लगा था उस समय कि शायद समय कम मिला, लेकिन आप तो एक ऐसे पत्रकार हैं जिसके निष्पक्षता पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता, तो धन्यवाद आपको कि पुनः आप आए। जो प्रश्न आपने किया था और आज जो पार्लियामेंट में प्रश्न हुआ है, क्योंकि आज पूरे 2-3-4 दिनों से जो चल रहा है एक बिजनेस ग्रुप बनाम राजनीति का जो सवाल है, एक बिजनेस ग्रुप बनाम इस देश की डेमोक्रेसी का जो सवाल है, उसी पर प्रश्न हो रहा है। और हम लोग लगातार प्रजातंत्र के मंदिर में ये मांग कर रहे हैं कि ये जो गठजोर है, एक व्यक्ति का दूसरे एक राजनीतिज्ञ का जो देश का सबसे मजबूत जो कहता है मैं अकेला ही सब पर भारी हूँ, बड़ा खुशी हुआ आज उन्होंने ये भी लाइन बोल दिया कि बीजेपी कौन, आरएसएस कौन, मैं अकेला, मोदी जी के सामने कोई नहीं, नो बीजेपी, नो आरएसएस, नो भाजपा के लोग, ये लोग तो बेचारे बेवजह चिल्ला रहे हैं, नो गोदी मीडिया। वो कल भी उन्होंने बोला था कि चेहरा चमकाता हूं मैं तो उससे कुछ मत समझिए आप लोग, जो नोएडा वाले चेहरा उनका चमकाते रहते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता, वो तो अपना चमका लेते जी। तो आज और अडानी साहब का जो मामला आया, तब हम लोग चाहते हैं क्या है, एक सिंपल जांच हो जो डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, ताकि ये व्यापार और राजनीति का जो रिश्ता है ये पाक साफ दिखे, कोई घोटाला कोई वैसी गठजोर न दिखे जिससे कि आने वाले भविष्य में इसके असर प्रजातंत्र पर भी बुरा पड़े और हमारी आर्थिक व्यवस्था पर भी बुरा पड़े। जो राजनेता अच्छे हैं वो पाक साफ होकर आएंगे, जो बिजनेसमैन है वो उन पर भी बेबुनियाद आरोप न लगे। हम क्यों आरोप लगा रहे थे, हमारे कुछ तथ्य थे। एक तथ्य है कि 38 कंपनियां सेल कंपनियों के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए भारत में काला धन रीरूट होकर आया और उससे जो है पूरी जो है अडानी कंपनी के जो शेयर्स हैं प्लस माइनस हुए हैं। ये अभी से नहीं है, पिछले 1.5-2 साल से चल रहा था, उस पर कई बार विचार रखे गए, ये गलत है। जेपीसी की हम मांग कर रहे हैं, हमारी इच्छा है कि भाई जो सारे चीजों पर मोनोपोली एक व्यक्ति का हो रहा है जिसको क्रोनी कैपिटलिस्ट हम कहते हैं, ये ना हो करके स्वस्थ प्रतियोगिता हो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के दौर में, पूंजीपतियों का हमारा विरोध नहीं है। तीसरी बात, यदि सब ठीक है तो जांच होती कि भाई SBI और LIC के पैसे कैसे, किन शर्तों पर, क्यों एक ही कंपनी में इतने व्यापक मात्रा में लग गए और कौन सी ऐसी फोर्स थी, जस्ट अंतिम बात जी, जो 957% मैंने देखा अभी 957 के आसपास प्रतिशत जो है पिछले 2 साल में सिर्फ एक कंपनी की बढ़ गई, वो कंपनी जो मोदी जी से मित्रता रखता है, सत्ता के करीब होता है, ठीक है, बाकी लोगों ने मेहनत की है और कमाया है पैसा, उन पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, और जांच हो जाए यदि सही है तो हमें अडानी जी पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है, वो अश्विनी जी जवाब देंगे जांच को लेकर। लेकिन एक चीज समझना चाहता हूँ अजय जी, ऐसा तो नहीं है कि ये अश्विनी जी की पार्टी ने आपकी पार्टी से कुछ ज्यादा ही समझ लिया?
अब ये जो रिश्ता है वो इंदिरा गांधी और धीरू भाई अम्बानी की फोटो से शुरू होता है, फिर एक और बड़े नेता थे जो राष्ट्रपति तक पहुंच गए, इसलिए मैं नाम का जिक्र नहीं कर रहा, उनके और उद्योगपति के रिश्तों को बहुत चर्चाएं हुई हैं, उसके बाद भी हुई है, और फिर अम्बानी जी का जिक्र आपने किया तो वो 56 से 6ठे स्थान पर पहुँच गए 2 साल में। दूसरे भाई अनिल अम्बानी जी 106 से 6ठे स्थान पर पहुंच गए, वो 5वें पर पहुंच गए, दोनों यूपीए सरकार में हुआ। तो अश्वनी जी ने आपसे जल्दी सीख लिया फटाफट, ठीक है। अश्वनी जी से मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि अपने शीर्ष नेता को कहें इन सारी चीजों की चर्चा पार्लियामेंट, ठीक, लेकिन पार्लियामेंट में दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो मुद्दे आज के हैं, 10 साल पहले के मुद्दे जरूर प्रधानमंत्री जी बोले जी। आने वाले फ्यूचर के कोई बात जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री जी सिर्फ कांग्रेस को गाली देने के लिए पार्लियामेंट का जो पवित्र मंच है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और चुनाव प्रचार का दुरुपयोग करने के लिए उस मंच का उपयोग किया। वहां एक डिबेट और डिस्कशन का कल्चर होता है। एक सेकेंड, क्योंकि आपके वो शुरुआती स्टोरी में था सर्वनाम की बात, नेहरू जी के बारे में कहा उन्होंने, कितना दुर्भाग्य और कितना दुखद है जिस जो व्यक्ति देश का प्रथम प्रधानमंत्री था उसके बारे में ऐसी चीजें आप कर रहे हैं। भारत की हिंदू परंपरा को यदि जो भी भाषण लिखा होगा मोदी जी का उसको समझ नहीं है, कहां से आजकल लिखवा रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये बात पता होती ना, क्लियर नहीं हुआ। 10 सेकंड, ये क्लियर होना चाहिए कि नेहरू जी के पुत्र नहीं थे, हिंदू परंपरा में है पुत्री है, पुत्री ने जिससे शादी की उसके जो सरनेम है वही बच्चों के सरनेम होते हैं। लेकिन आप इस तरह से इतना आप मैंने नीचे चले गए हैं कि अब व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए सरनेम का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अडानी जी के साथ जो है आप इतने मजबूत है कि एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, अश्वनी जी के पास आऊँ, लेकिन आनंद जी आप भी कुछ जोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे को आपकी पार्टी को देखते ही उद्योगपति ज्यादा याद आते हैं। जी विजय जी, देखिए अभी अश्वनी जी कह रहे थे कि शिवसेना को भी 100 करोड़ से ज्यादा चंदा मिला जी। मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि हम चंदा लेने के खिलाफ नहीं है, चंदा लोग देते थे, जब देश आजाद नहीं हुआ था तब भी लोग आजादी के लिए चंदा देते थे, देश आजाद हुआ तब देश के विकास के लिए चंदा देते थे, पार्टियों को देते थे। हमारी लड़ाई कहाँ है कि आपकी पार्टी में जितने अपराधीकरण नेता हैं, जितने ज्यादा भ्रष्ट नेता हैं, वहीं से ज्यादा करके मामला डावाडोल होते रहता है। उसका मैं उदाहरण देता हूं कि जैसे इस देश में आज भी 7.5 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, हम ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया है, ये कोई खुशी की बात नहीं है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना पड़ता हो तो आपकी सरकारें क्यों बनती हैं, ये लोकतंत्र क्यों बनता है, क्या कुछ पूंजीवादों के लिए, कुछ व्यापारियों के लिए? देखिए आजादी के बाद से अगर हम कहें तो बिरला थे, टाटा थे, गोदरेज थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन कभी किसी पर आरोप नहीं लगता था पूंजीवाद का या मित्रता का या सखा होने का कि सरकार उनको ज्यादा उदारवादी स्थिति में ले जा रही है। लेकिन अब जो 7-8 वर्षों में आरोप लगे हैं इसका जवाब सरकारों को देना होगा कि एक ही आंख से क्यों, क्योंकि 2 सेकंड और लूंगा जी। क्योंकि देखिए आप लोकतंत्र में हैं लोगों की भलाई करने के लिए, आप चंदा लीजिए दीजिए कोई उस पर आरोप नहीं लगाता, आरोप तब लगते हैं जब किसी एक व्यक्ति से आप चंदा लेकर उसको आप इतना बड़ा बना देते हैं कि बाकी जो 10 आपको अगर चंदा दे भी रहे हैं या नहीं भी दे रहे हैं तो आप उनके किसे काम नहीं आते। अच्छा, कोई भी देश बिना पूंजीपति, बिना उद्योगपति, बिना व्यापारियों के आगे नहीं बढ़ सकता, इसके लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके खिलाफ नहीं हो सकती, ये स्पष्ट कर दूं। सिर्फ एक दो देश की पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती आनंद जी, देश ही आगे नहीं बढ़ सकता तो देश के अंदर ही पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं विजय भाई। अगर देश आगे बढ़ेगा तो पॉलिटिकल पार्टीज भी आगे बढ़ेंगी, वो उद्योगपति भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन बार बार इक्का दुक्का व्यक्तियों पर विशेष स्नेह विशेष प्रेम यदि आप सरकार या पार्टी की तरफ से दिखाएंगे तो प्रश्न चिन्ह बनता है। अच्छा, जो पार्टी जहां लोकप्रिय है वहां उसे ज्यादा चंदा मिलता है, महाराष्ट्र में हम लोकप्रिय ज्यादा है हमें मिल रहा है, बंगाल में टीएमसी है उन्हें मिल रहा है, कहीं पर बीजू जनता दल जैसे नवीन पटनायक जी की पार्टी है बीजेडी उनको मिलता है, कहीं जगन मोहन रेड्डी अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें मिलता है, तो ये कहना कि आपको भी मिलता है भाई, अरे हमें मिलता नहीं, है। लेकिन एक उदाहरण दीजिए, एक नेता का एक व्यापारी का नाम बताइए जिसपे उद्धव ठाकरे जी का विशेष प्रेम हो और बाकियों पे ना हो, हम तो सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जैसे वैसे मैंने आपने जहां लोकप्रिय शब्द का इस्तेमाल किया मैं उसे सरकार कहूं तो ठीक तो गलत तो नहीं है ना अश्वनी जी? पॉलिटिकल पार्टी ठीक है आगे सरकार समझना चाह रहा था अश्वनी जी, अब आप सब चीजों की सफाई दे सकते हैं, आपके पास मौका है। अजय जी ने जो बोला है, आनंद जी ने जो बोला है, आनंद जी कह रहे हैं कि दोस्ती रखिए रिश्ता रखिए लेकिन और जो लोग हैं सबके साथ बराबर कीजिए,
अब ये हो नहीं सकता ना, ज्यादा मंदिर में भी ऐसा होता है जो प्रसाद लाता है फिर चांदी की थाली में रखकर लाता है फिर उसमें काजू पिस्ता भी लाता है, तो पुजारी जी पहले उसका प्रसाद लेते हैं फिर उसको माला फूल भी देते हैं फिर आशीर्वाद भी देते हैं और फिर मंदिर के अंदर से दर्शन कराते हैं। अब ये आनंद जी समझ नहीं रहे बात को जी। अब देखिए आनंद जी, चूंकि हिंदुस्तान के जो क्या कहते हैं कि आर्थिक राजधानी पर कब्जा करके बैठे हुए हैं तो इनके यहाँ तो सभी लोग जाते हैं। सर आपने कर लिया कब्जा, उसका भी दुख है उनको, आपने कब्जा छीन लिया जी। नहीं तो फिर भी लेकिन इन लोगों का चंदा जो आता है तो ये सबका साथ वही लेते हैं, ये इनके पास सभी लोग वही जाते हैं और सब लोग अंदर वो चांदी की तस्तरी में प्रसाद लेकर और सोने के वो मुलम्मा चढ़ाकर जाते हैं वहां। तो आनंद जी की बात ये है, लेकिन मैं अजय जी की बातों से शुरू करना चाहता हूँ। दो तीन बातें अजय जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अडानी पर चर्चा नहीं हुई और अडानी पर चर्चा होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं अडानी पर चर्चा क्यों होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री, एक देश के प्रधानमंत्री को अपने देश की समस्याओं, देश के विकास, देश की चीजों पर चर्चा करनी चाहिए। और अडानी एक व्यापारी है, उनकी व्यापारी कहा उनके अगर उनके व्यापार से देश का कहीं क्षति हो रही हो तो उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना होता और बोलते जरूर बोलते। ठीक है, मतलब अजय जी की आप इस बात से सहमत है कि अडानी पर चर्चा नहीं हुई, ये तो सहमत हो गए ना, कारण आपने बताया वो ठीक है जी। जी जी मैं वो बोल रहा हूँ। उसके बाद अजय जी अगर चाहते हो कि अडानी उनके मित्र हैं, चूंकि आज जो निंदनीय कार्य विपक्ष के द्वारा किया गया, एक देश का प्रधानमंत्री अगर अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहा था तो उसको पूरे 85 मिनट ये लोग नाराबाजी करते रहे और देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते रहे जो कि सदन में निंदनीय होता है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने अभी एक नाम की बात की, फिर मैं दूसरी उस पर आता हूँ। अच्छी बात है अजय जी, बहुत बढ़िया नाम आपने कहा, नेहरू जी से भाई नाम नहीं लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी गलत बोल गए होंगे, चलिए मैं सुधार कर देता हूँ। फिरोज गांधी के पुत्र होते हैं, फिरोज गांधी की पत्नी इंदिरा गांधी होती है, फिरोज गांधी जी एक पारसी होते हैं, इंदिरा गांधी जी एक कौल ब्राह्मण होती है, इंदिरा गांधी जी के बेटे लोग जो है गांधी लिखते हैं, चलिए फिरोज गांधी से लिखते हैं। अचानक राहुल गांधी जी कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय गोत्र कहां से हो जाता है, अगर उनका नहीं आ रहा है तो फिरोज गांधी जो पारसी थे उनका गोत्र इन पर लागू कैसे हो जाता है, कौल ब्राह्मण ये कैसे रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ब्रह्मा जी के मंदिर में ये दत्तात्रेय गोत्र रहता है और जब आते हैं उज्जैन मंदिर में तो इनका गोत्र कश्यप हो जाता है, पश्चिम में कहीं जाते हैं तो जनेऊ ऊपर पहन कर आते हैं, तो अब फिरोज गांधी जो पारसी थे उनका बेटा कौल ब्राह्मण कैसे है, इसका जवाब देश को चाहिए, देश जानना चाहता है। ठीक है अश्विनी जी, ये सवाल है कि नहीं है। अश्विनी जी एक चीज जोड़ना चाहता हूँ आपसे, समझना चाहता हूँ, ये सवाल आपने वरुण जी से भी पूछा क्या, वो आपकी पार्टी के सांसद है बहुत लंबे समय से। नहीं तो वरुण जी ने कहीं अपना गोत्र थोड़ा ही बताया है कि हम दत्तात्रेय गोत्र, मतलब आप उनको पारसी मानते हैं वरुण गांधी को। वरुण गांधी जो भी हो हमारे वो हमारे दल के सांसद थे, उन्होंने कभी राष्ट्र को बताने की कोशिश की कि हम ये इस गोत्र के हैं, नहीं बताया कभी भी, इन्होंने तो घूम घूम कर बताया जनेऊ पहने, जम्मू कश्मीर में गए असली हिंदू मैं हूँ, पारसी का बेटा हिंदू कैसे भाई, पारसी का पोता हिंदू। तीसरी चीज, अरे अश्विनी जी नाराज मत हो, मेरा ज्ञान कम है, मैंने कहा पूछ लूं वरुण जी पर, वरुण जी का भी मेरे को मैंने कहा पता पड़ जाए हाथ की हाथी। नहीं नहीं भाई साहब, इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं, ये तो विचारों की बात है, जो इन्होंने पूछा कि नेहरू तो प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है, तो मैंने बताया इनको कि भाई वो गोत्र कैसे, पारसी का बेटा हिंदू कैसे हो जाएगा ये। तीसरी बात एक और मैं कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ, LIC और SBI पर इन्होंने बात की कि बहुत नुकसान हो गया और ये देश को बोलना चाहिए था। LIC ने चिट्ठी जारी की 36,000 करोड़ लगाकर वो 70,000 हो गया था, वो 56,000 हो गया। SBI ने कहा कि 0.88% हमने लगाया, SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 22,000 करोड़ के आसपास का वो कहा कि हमारा इतना है और वो भी सिक्योर है, जो वहां पर हम एकदम से सही है और हमारा लोन में हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं। जेके बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक की मैं बात बताता हूँ, उसका भी 400 करोड़ रुपया लगा था, उसने एक पत्र जारी किया, उसने कहा कि अब 250 करोड़ रह गया है, मेरा 150 करोड़ वापस आ गया है और अभी भी वो हमको बराबर पैसा दे रहे हैं, कहीं भी कुछ नहीं है, हम सुरक्षित हैं, ये हो रहा। तीसरे उसके बाद एक बात और, जनता का जो निवेशकों का विश्वास था वो विश्वास अब लौट रहा है अडानी पर, अडानी के शेयर बढ़ रहे हैं। मैं अडानी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि डूबा गया, तो लगने लगेगा जी। ये जो है अजय जी, अब ये खिसियानी हंसी हंसेंगे, निवेशक जो है उधर आ रहे तो अश्विनी जी अपने यहाँ पर है, पर्सनल कमेंट नहीं है अश्विनी जी, पर्सनल कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप दोनों विद्वान लोग हैं और हम लोग करते ही नहीं पर्सनल कमेंट, है ना, सब मित्र लोग हैं।
आनंद जी से मैं एक लाइन में कहकर विजय जी खत्म करता हूँ कि अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, घटा तो उनका घटा, बढ़ रहा है तो उनका बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको कांग्रेस को दर्द हो तो भाई ईश्वर मालिक। ठीक है आनंद जी, विजय जी अश्विनी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अडानी पर कुछ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो व्यापारी हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है जी। लेकिन अगर इस देश का कोई बड़ा व्यापारी जिसकी आय 7 लाख करोड़ रुपए के करीब हो, अचानक 2-3 लाख करोड़ रुपया कम हो जाए, निवेशकों का पैसा डूब जाए, और इतने बड़े देश में यदि उस अडानी का एक योगदान रहा है विकास में, और अगर कहीं न कहीं हमारे देश को पीछे अगर जाना पड़े तो क्या भारत के प्रधानमंत्री जवाबदेही नहीं रखेंगे? मैं जवाब देता हूं इसका। दूसरी बात, पार्लियामेंट और संसद क्यों बना है? चर्चा के लिए। अगर पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा विपक्ष यदि मांग कर रहा है कि इस पर एक जेपीसी हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी एक बहस हो जाए, इसकी एक जांच हो जाए जी। अरे आप बताइए इसमें क्या बुराई, आखिर पार्लियामेंट का काम क्या है? लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर इसीलिए है कि यदि कोई अचानक घटना देश में घट रही है और उस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि उस चर्चा से कुछ फल निकले, तो इसमें विपक्ष क्या गलत मांग कर रहा है पहली बात जी। और दूसरी बात यदि अडानी कोई गलती नहीं किए हुए हैं, अडानी पूरी तरह से बोलते ना पाक साफ है, तो अडानी और सरकार दोनों इसका स्पष्टीकरण देश की जनता के सामने दे दे कि भाई ये फॉल्ट हुआ था, हम हिंडनमैन को नहीं मानते हैं, उन्होंने शायद जालसाजी करके हमारे ऊपर एक षड्यंत्र रचा है और ये विषय तो अडानी हो जाए। अडानी ग्रुप ने तो जवाब दे ही दिया अपना 413 पेज का। लेकिन सरकार और अडानी मिलकर जब तक देश को नहीं, अडानी कुछ कह रहे हैं और सरकार बोल नहीं रही है तो कैसे ना माने बोलेगी भाई आनंद जी, सरकार क्यों बोलेगी? अरे कमाल करते हैं आप, इतने बड़े लाख करोड़ का उद्योगपति, इतने बड़े लाख करोड़पति का उद्योगपति, देश का क्या नुकसान हुआ बताइए, देश का क्या नुकसान हुआ है? ठीक है अश्विनी जी, करता है तब कहा जाता है कि अडानी देश की गरिमा और उन्नति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, लेकिन जब देश का पैसा बर्बाद होने लगता है तब कोई उनसे प्रश्न न पूछे कि भाई आपने क्या ऐसा काम किया कि सेबी हो, LIC हो और भी बहुत सारी एजेंसियां हो, हम आपके पास इतने देश के पोर्ट है, आपके पास एयरपोर्ट है, कल कुछ 19-20 हो जाए तो क्या आप विदेश भाग जाएंगे जैसे पहले लोग भागे हैं कहीं? ये तो प्रश्न चिन्ह बनता ही गंभीर मामला है इसमें, तो मैं तो कहूंगा अश्विनी जी हमारा साथ देंगे। अश्विनी जी आपको इसमें हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं, लेकिन तर्क से जवाब देना चाहते कुतर्क है, अगर ये कुतर्क है तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो एक कुतर्क करने के लिए विजय जी ने मुझे 2 मिनट का अवसर दिया है, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, राजनेता बाद में हूँ। लेकिन अगर मेरे देश का पैसा कोई एक ही व्यक्ति के पास आ जाए और बाद में मालूम पड़े कि शेयर धारकों को घाटा हो रहा है और नहीं आया जी, नहीं हमारे देश का पैसा, हमारे देश का पैसा है वो लोगों का पैसा है। अगर वो पैसा कोई लेके भाग जाए अश्विनी जी, तो आप तो फिर बोलेंगे मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा, कहाँ ढूंढेंगे? ठीक है, कहाँ ढूंढेंगे? अजय जी, अश्विनी जी आता हूँ आपके पास, अडानी जी के लिए जवाब देने के लिए इतनी बेकरारी क्यों आपको? नहीं, अडानी जी के लिए जवाब नहीं दे रहा हूँ। अजय जी, जेपीसी पर मैं एक चीज पूछ लेता हूँ पहले अजय जी से, फिर आपको जवाब का मौका मैं पूरा ही दूंगा, आप मित्र हैं हमारे। अजय जी, जेपीसी की बात अश्विनी जी ने भी कर दी, आनंद जी ने भी की, आपने भी की, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको तो जेपीसी की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपका अनुभव तो बिटर रहा है। आप सोचिए, बोफोर्स में जेपीसी बैठी, राजीव गांधी की सरकार चली गई और फाइनली पता पड़ा कि राजीव गांधी जी उसमें शामिल नहीं थे, क्लीन चिट थी। तो जेपीसी पर भरोसा नहीं होना चाहिए था कांग्रेस को। दूसरा एक और बड़ा मुद्दा 2G का हुआ, 2G पर भी जेपीसी हुई, सरकार चली गई लेकिन बाद में क्लीन चिट मिली कि भाई उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ था। तो ऐसी जांच क्यों करवा रहे हैं जिस पर आप ही को भरोसा नहीं होना चाहिए था? देखिए, निष्पक्षता और जांच जो है राजनीतिक के क्षेत्र को भी और सामाजिक क्षेत्र को भी विश्वसनीयता को बढ़ाता है। हालांकि हमको हानि, सच बात है, इस दोनों केस में आज भी अभी भी यदि अश्विनी जी को लगेगा तो एक बार राजीव गांधी जी को जरूर कटघरे में खड़ा करेंगे। तो कोर्स को लेकर, 2G को लेकर के मनमोहन सिंह जी को अभी भी कटघरे में लोग बार बार करते हैं, और तथ्य सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट से दोनों ये पूरे केस जो है बरी हो गए हैं सभी लोग इसमें। लेकिन फिर भी, और ये सबसे ज्यादा मैंने अच्छा मांग, आपने बहुत अच्छा कहा, ये तो भाजपा का सबसे फेवरेट इशू रहा है, वो बार बार मांग करती रही, हर्षद मेहता कमेटी, केतन पारिक कमेटी, बोफोर्स कमेटी, ऐसे कई कमेटियां हुई जिस पर जेपीसी की मांग हुई। और दूसरी बात, 6 बार तो जेपीसी बन गई, ज्वाइंट
हाँ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये अलग बात है कि अधिकतर बार हमारे समय में ही बनी जी। वाजपेयी जी को शायद एक बार बनाने का नौबत आया जी, कोल्ड ड्रिंक्स पर बनाई थी, दो बार बनाई उन्होंने, केतन पारिक पर बनाई जी, केतन पारिक पर भी उन्होंने बनाई। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रुख तो सबको पता है, सभी विद्वान लोग हैं और आपके दर्शक भी समझ सकते हैं इस बात को कि उसमें सरकार के जितने प्रतिनिधि होंगे, जिनकी संख्या ज्यादा होगी वो लोग ज्यादा होंगे, उसमें एक बहस होगी, एक रिपोर्ट आएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी, कम से कम इस विश्वसनीयता का संकट तो नहीं रहेगा जनता के बीच, ठीक है, इससे तो और पारदर्शिता बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, सिटिंग जज के यदि अध्यक्षता में कोई जांच हो जाएगी तो इससे क्या चला जाएगा। तीसरी बात, यदि बार बार जैसा कि भाजपा के लोग कह रहे हैं, पार्लियामेंट में भी प्रधानमंत्री जी भी बात करते हैं कि हम बहुत विश्वसनीयता है, तो उससे तो उनकी और विश्वसनीयता बढ़ेगी। चौथी बात, हिंडनबर्ग वाली बात जो है, यदि वो गलत कर रहा है जिसके कारण हमारे देश का दूसरा नंबर का उद्योगपति इतने नीचे आ गया, तो ये हमारे लिए दुखद है ना। यदि वो साजिश करके कर रहा है, जांच होगी तो साजिश भी पकड़ी जाएगी, ठीक है, लेकिन उसके पहले ही क्लीन चिट देने की जो प्रवृत्ति भाजपा की है, चाहे वो इनके गृह राज्य मंत्री जो थे, किसान के बच्चों को जो किसानों को जो रौदा, उसको भी क्लीन चिट दे दिया, अभी ब्रजभूषण सिंह को भी एक क्लीन चिट दे दिए, और अब जो है अपने मित्र को भी क्लीन चिट दे रहे हैं। अश्विनी, क्लीन चिट पॉलिटिक्स छोड़ दे, जनता के भरोसे को रखें, जनता इससे भरोसा बढ़ेगा पार्टी, मैंने समाज में राजनीति जी। अश्विनी जी, देखिए मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा जी। कि अभी अजय जी ने हर्षद मेहता का भी नाम लिया, और विजय जी आपके सामने तो कोई चीज छिपी नहीं, हर्षद मेहता ने वो सूटकेस कहां गया था और किस कैसे गया था, और लाई डिटेक्टर टेस्ट उन्होंने कराया, और उसके बाद क्या क्या चीजें हुई, तो हर्षद मेहता में तो कांग्रेस कहीं भी वो नहीं है, इनके भी लोग मित्र थे, ठीक है। जेपीसी की अगर बात होती है तो आपने दो उदाहरण दिया, मैं दो उदाहरण और देना चाहता हूँ, इन लोगों को भी करना चाहिए था। 2004 में राहुल गांधी जी की जो एक सांसद के रूप में 55 लाख रुपए की संपत्ति थी, वो 2019 में 19 करोड़ की कैसे हो गई, इस पर भी जेपीसी बैठवा लेना चाहिए था इन लोगों को। और इंडियन एक्सप्रेस जो 50 लाख की कंपनी थी, वो 90 करोड़ की कैसे हुई, इस पर इन लोगों ने जेपीसी नहीं बैठवाया, ये इनकी जेपीसी की मांग है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आज जो है आनंद जी जो बात कह रहे थे, मैं अडानी की बात कर रहा हूँ। अश्विनी जी, अश्विनी जी आपने ये बात बहुत अच्छी कही है, लेकिन ध्यान रखिए ये हमाम वाली बात है, नहीं समय की बात है, नहीं हमाम की बात है, ये जो राहुल गांधी के लिए आप कह रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी बात से मैं इस पर कोई वो नहीं कर रहा विरोध, मैं तो केवल आपको एक कहना चाहिए कि वार्न कर रहा हूँ या समझा रहा हूँ, ये हमाम है। एक अच्छे एंकर के साथ विजय जी अच्छे क्रिटिक भी हैं, मुझे पता है आप जो है चीजों को गहराई से समझते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा मार्गदर्शन भी देते रहते हैं, लेकिन जो सामने है मैं लिखा पढ़ी में है वो, ठीक है, 50 लाख की कंपनी 90 करोड़ की और ये शपथ दाखिल किया जाता है, तो ये राहुल गांधी जी की बात की, और ये राहुल गांधी जी की बात, और ये देखिए इनकी एक कहानी राहुल गांधी जी की होती है, अगर हम कुछ कह दें तो हम लोगों को ये लोग जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, लेकिन एक योगी जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार की आरोप नहीं है, उसको वहां पर वो ठग कहते हैं और वो सदन में कहते हैं, ये निंदनीय नहीं है, ये कैसे है, ठगी इन लोगों ने की देश के साथ, कांग्रेस ने ठगी की, पूरी पूरी ठगी की, हर्षद मेहता का नाम मैंने लिया, आज तक अब अडानी के पीछे पड़े, अडानी को क्यों प्रधानमंत्री जी से जोड़ा जा रहा है, मैंने अभी दिखाया अंबानी का जहाज, तो हर व्यापारी, और तीसरी एक लाइन में खत्म करता हूं विजय जी, इसकी इसकी गवाही आपसे ज्यादा कोई बढ़िया नहीं दे सकता, कि कांग्रेस के समय में जो दूसरा जहाज जाता था प्रधानमंत्री के साथ, उसमें कौन कौन लोग भरे होते थे और वो जाकर क्या करते थे, वो याराना क्या कहलाता है, ये इस पर कांग्रेस अगर प्रकाश डाले तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि एक शिष्टमंडल कहते हैं उसको, वो सबके साथ जाता है, बहुत सी चीजों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बदला है जी। अब सारे पत्रकार लोग अपना टिकट कटा कर जाते हैं, अरे पत्रकार बेचारे कहाँ उसमें आ गए सर, वो तो शिष्टमंडल जो है उद्योगपतियों का, वो अब भी जाता है, पहले भी जाता था, जहाज भले ही अलग अलग जाते हो, और वो एक हमारे उसका सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि वहां पर हम देशों के साथ दूसरे जो राजनीतिक के साथ साथ व्यावसायिक रिश्ते करते हैं, वो उसका काम है, इसको अब इस पर क्या चर्चा करें, लेकिन तो फिर मित्रता की बात, ये कांग्रेस को समझाइए ना विजय जी, ये तो कांग्रेस को समझ में आना चाहिए ना जी। जी कांग्रेस तो पहले से समझती है, लेकिन अभी कुल मिलाकर बात ये समझ आई सर, अब वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बात तीनों से मैं सहमति के साथ या जो भी असहमति है वो चाहता हूँ कि आप तीनों लोगों को मतलब सभी पार्टीज को लगता है कि उद्योगपतियों के बिना देश नहीं चलेगा और देश का पता नहीं पार्टी भी नहीं चलेगी, मतलब याराना में कोई झगड़ा नहीं करना चाहते ना उद्योगपतियों से, अडानी हो अंबानी हो बजाज हो कोई भी हो, कोई झगड़ा नहीं है ना, इंडस्ट्री से झगड़ा तो नहीं है आपका,
देखिए विजय जी इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति, बहुत छोटा सा जवाब सर, वक्त नहीं है, मैं केवल यही पूछ रहा हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति यदि जरूरी है देश, यदि उद्योगपति देश के विकास में यदि वो रोल अदा करे पहला, दूसरा स्वस्थ प्रतियोगिता हो, तीसरा कोई सरकार जो है किसी एक को फेवर न करे, सबके लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड हो और ईमानदार प्रयास हो और उस पर सरकार की नजर प्रॉपर रहे, नजर इनायत न रहे किसी एक के बिजनेस को, ठीक है आनंद जी, ये गलत जी आनंद जी। जी विजय जी बिल्कुल सही बात है, उद्योगपतियों के खिलाफ कोई नहीं, उद्योगपति होते हैं जो देश के हजारों लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, देश की उन्नति में हिस्सेदारी निभाते हैं, तो उनसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब सरकारें या पार्टियां चंदे को लेने के बाद उन पर विशेष स्नेह और विशेष प्रेम करने लगती है, जिससे हमारे देश में अमीर और गरीब बड़ा अंतर बढ़ जाता है, तब उससे दुख होता है, उससे प्रॉब्लम। मैं जोड़ देता हूं, अभी महाराष्ट्र में महावसूली अगाड़ी की सरकार थी, 100-100 करोड़ वसूले जा रहे थे, छोटा सवाल मैंने जो पूछा, इंडस्ट्रीज से दोस्ती है ना जी, एकदम रहना चाहिए और वो देश के विकास में सहायक होते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस पर मेरी कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है, तीनों विद्वान लोगों ने अपनी राय रख दी है। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या राजनीति और व्यापार एक दूसरे के जोड़ीदार हैं, इस पर 68% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया, वहीं 32% लोग इसके पक्ष में नहीं है, यानी 68% जनता समझती है कि दोनों के बीच याराना तो है। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पॉलिटिशियंस की बात सुनी, पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी यानी विजय भी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था कि मछली के बारे में ये पता लगाना असंभव है, नामुमकिन है कि वो कब और कितना पानी पी लेती है, या मछली कौन है और पानी कौन है, आप समझ गए होंगे। आज के दौर में विश्व साम्यवाद से शुरू होकर समाजवाद के रास्ते उदारवाद की ओर जा रहा है। आप कहेंगे विजय जी आप तो आलोचना ही करते रहते हैं, ये आलोचना नहीं है बल्कि सत्य है, अगर ऐसा नहीं होता तो 21 अमीरों के पास 70 करोड़ लोगों के जितना धन नहीं होता, कोरोना जैसी महामारी के बावजूद अरबपतियों का धन दोगुनी तेजी से नहीं बढ़ता। बात सिर्फ एक की नहीं है, ये किसी एक को लेकर मसला नहीं है बल्कि सभी की है। किसी जमाने में छोटे अंबानी दुनिया के 6ठे सबसे अमीर शख्स बन गए थे, लेकिन आज कहाँ है हर कोई जानता है, देश की भाग्य विधाता यानी जनता इसका क्या, इसका वही रोज कुआं खोदो और पानी पियो चलता रहता है, बाकी इनको क्या फर्क पड़ता है, चाहे अडानी साहब कमाएं, अंबानी साहब कमाएं, बिरला साहब कमाएं, इनको तो हर 5 साल पर वादों का ओवरडोज दिया जाता है जिसे वो 5 साल तक पीते रहते हैं, लेकिन तबीयत में थोड़ा बहुत भी फायदा नहीं हो पाता। आज के कार्यक्रम में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।